तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई हमारा जो चेरिश ओएस जो हमने फ्लैश करा था लास्ट वीडियो में उसका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। तो भाई मुझे बहुत सारे लाइक मैसेजेस आए कि पर्सनल मैसेजेस आए भाई कि चेरिश ओएस जो है क्या वो मैं डेली ड्राइवर के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, इसका कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या बग्स आपको मिला है, क्या है नहीं है, भाई सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को गाइस एंड तक देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा भाई कि ये रॉम कैसा है नहीं है, आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई आप लोगों को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं कुछ कुछ फीचर्स का इसका बात कर लूँ, तो भाई इसमें जो है मैंने ANX कैमरा जो है ऊपर से डाला है, मतलब अलग से डाला है, इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। सेकेंड थिंग, कैमरा जो है भाई इसमें जो कैमरा मिल रहा है वो गूगल कैमरा टाइप का, ये आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे एक बग मैं बता दूं पहले भी कि गाइज आप यहाँ देखो, मैंने जब फ्लैशलाइट ऑन करा था, ओके, मेरा कैमरा जो है भाई उस पर फिर से लेयर चढ़ गया, आई थिंक फिर से पानी घुस गया इसमें। ओके एनीवेज फोकस तो हो रहा होगा मे बी, फाइन। सो आप गाइज यहाँ देख सकते हो कि फ्लैशलाइट जो है वो लिख रहा है कैमरा इन यूज, और गाइज मैंने कोई भी कैमरा कहीं भी यूज नहीं करा है। चलो मैं इसे हटा भी दे रहा हूँ ना गाइज, तो भी आप यहाँ देखो कि कैमरा फ्लैशलाइट पे जो है कैमरा इन यूज बता रहा है। तो गाइज इसे ठीक करने के लिए आपको इस डिवाइस को रीबूट करना पड़ेगा। तो गाइज ये यहाँ पे एक बग जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। ओके, अब गाइज आप नोटिफिकेशन बार देख लो यार, ये जो एंड्रॉइड 12 टाइप ही है, ओके, ये से जो होता है बाय डिफॉल्ट लाइक, लेकिन गाइज ये काफी ज्यादा स्मूथ है, जिसका एक्सपेक्टेशन जो है मतलब मुझे नहीं था भाई पिक्सल एक्सपीरियंस से ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस करेगा, दे रहा है ये आपको। ओके गाइस आई थिंक कि अब क्लियर हो गया होगा। तो भाई मैं कैमरा का बात कर रहा था, तो भाई मैंने यहाँ पे एक बग जो फाइंड करा वो ये है कि भाई फ्लैशलाइट जो है वो लिख रहा है कैमरा इन यूज, जो कि अभी मेरा कैमरा जो है आप देख सकते हो कि भाई ऑफ चल रहा है। तो गाइस अगर आपको इसको ठीक करना है तो भाई आपको जो है डिवाइस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये गाइस ये रहा पहला बग। ओके, अब मैंने जो दूसरा बग जो भाई मैंने देखा वो देखा यूट्यूब के साथ। ओके, तो मैंने यूट्यूब यहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं कराया क्योंकि भाई वो चल ही नहीं रहा था। लेकिन गाइस अगर मैं क्रोम पे भी अगर मैं यूट्यूब खोलने का कोशिश कर रहा हूँ ना गाइस, मैं दिखाता हूँ जैसे अभी वीडियो वगैरह चालू कर रहा हूँ जैसे ही, तो देखो गाइस वो ऑटोमेटिकली जो है कट जा रहा है। मैं इस ब्राउजर में दिखाता हूँ गाइस, देखो मैंने यूट्यूब चालू किया, ओके, यहाँ पे निक का वीडियो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। बट गाइस वही अगर मैं कुछ और ये करूंगा, कुछ और वेबसाइट वगैरह सर्च करूंगा तो वो चीज चल जाएगा। ओके, जैसे maps.google.com में चलाऊंगा हो जाए, तो भाई वो चीज जो है वो देख लेना। ओके गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। तो भाई यहाँ पे जो है गूगल के सारे ही एप्स मिल जाएंगे, जैसे कैलकुलेटर जो है ये गूगल का है, क्लॉक जो है ये गूगल का है, कॉन्टैक्ट गूगल का है, फाइल्स भी गूगल का यूज हो रहा है। और गाइज मैंने इसका जो प्ले स्टोर फोटो मैं बता दूं कि भाई इसमें अनलिमिटेड आपको मिल रहा है। तो गाइज आप यहां देख लो कि भाई फोटोज जो है उसमें बैकिंग ऑफ फोटोज और वीडियोस जो है वो फ्री है और अनलिमिटेड है। आप देख सकते हो कि मैंने 132 MB मेरा बैकअप हुआ है अप्रोक्स। ओके, बट स्टिल गाइज इसमें आपको अनलिमिटेड फोटोज और वीडियोज का जो बैकअप है वो आपको मिल जाएगा। और फिर गाइस मैंने इसमें क्या करा भाई, मैंने बैटल ग्राउंड मोबाइल्स इंडिया भी खेला है और मैंने पबजी मोबाइल का जो लेटेस्ट अपडेट आया था मैंने वो भी खेला। तो गाइस मुझे दोनों में ही परफॉर्मेंस काफी सही लगा है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे काफी बढ़िया लगा इसका परफॉर्मेंस बैटल ग्राउंड BGMI के मामले में, क्योंकि भाई मैंने दोनों ही खेला और मैंने नया मैप में भी खेला न्यू अपडेट वाले में, तो भाई मुझे उसमें भी कुछ लैग देखने नहीं मिला। हाँ गाइस थोड़ा बहुत कहीं कहीं थ्रॉटल स्टटर करेगा, बिकॉज हो सकता है भाई 100% एफिशिएंसी नहीं दे, बट गाइस डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस या फिर पिक्सल एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा बेटर रह रहा है। तो गाइस यहाँ पे ये सब था भाई सेटिंग्स में, देख लो आप लोगों की भाई क्या क्या मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस इसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस मिल जाएंगे, मैंने इंस्टॉल वाले में ही बताया था कि भाई यहाँ पे आप हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हो, स्टेटस बार यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक भाई सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे मेरे को एक बग और देखने यहाँ ये मिला है कि भाई देखो जब जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमाइजेशंस में आओगे, जैसे स्टेटस बार फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे, जब एकदम फर्स्ट टाइम कस्टमाइज कर रहे हो तो भाई स्टेटस बार जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब आपका फोन जो है वो स्लीप हो जाएगा, स्लीप मतलब कि पावर ऑफ ऐसे हो जाएगा ऐसे। ओके, अब फिर से जब ये बूट लोड लेगा उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। तो गाइज ये यहाँ पे दूसरा बग जो हमने फाइंड, तीसरा बग जो हमने फाइंड करा। ओके गाइज उसके बाद मैं दिखा दूं कि इसमें आप भाई सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, एज यूजुअल इसमें आपको एक गेमिंग मोड में मिल जाता है, और गाइज यहाँ पे आप 90 FPS पे भी अपने गेम को चला सकते हो। आप गाइज देख सकते हो यहाँ पे अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज और हायर FPS जो है दोनों ही अवेलेबल है, आप इसको भी इनेबल कर दोगे तो 90 FPS सपोर्ट जो है वो इनेबल्ड हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे अनलॉक हायर क्वालिटी स्ट्रीम से सीधा सीधी मतलब ये है कि भाई जैसे बहुत हमारे Redmi Note 8 Pro डिवाइस में जो Amazon Prime का जो वीडियो होता है वो 1080p से ऊपर नहीं जाता है गाइज, ऑल्दो वो 4K में रिकॉर्ड मतलब 4K अलाउड है, बट
1080p से ऊपर नहीं जा पाता, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हो। एनीवेज आगे चलते हैं गाइस, गेम स्पेस यहाँ पे आप देख लो कि गेम स्पेस जो है वो मिल रहा है। अब यहाँ पे गाइस आप नीचे स्क्रॉल करें तो एप्स को ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और यहाँ पे मैं पबजी मोबाइल दोनों को ही ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस आप ये देख लो कि भाई क्या गेम गेम स्पेस मिल रहा है। ओके अब इसको रन करके देखते हैं भाई गेम स्पेस में क्या क्या चीज अपने को अवेलेबल है। तो करते हैं भाई, ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप इसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये गेम स्पेस टाइप कुछ देखने मिल जाएगा, जहां पे पहला जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, सेकंड स्क्रीनशॉट है और थर्ड जो है वो सेटिंग है, आप देख सकते हो आप। ओके तो यहाँ पे FPS जो है वो शो कर रहा है, यहाँ पे जो है वो मोड है, जैसे आप बैलेंस करना चाहो या फिर परफॉर्मेंस करना चाहो, जैसे भी हो। स्टे अवेक मतलब गाइस आपका जो स्क्रीन है वो टर्न ऑफ नहीं होगा। गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो टेम्परेचर शो कर रहा है, यहाँ आपका बैटरी, यहाँ टाइम और यहाँ पे कितना CPU यूजेज हुआ है। फाइन अब गाइस यहाँ देख लो कि लॉक स्क्रीन गेस्चर जो है वो चीज शो कर रहा है, ठीक है, जो कि हमने डिजेबल कर रखा है। और नोटिफिकेशन मोड जो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डिजेबल हो जाएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो गाइस वो शो नहीं होगा। तो गाइस ये था अबाउट दिस गेम स्पेस, चलते हैं। तो गाइस वो था अबाउट द गेम स्पेस, अब गाइस चलते हैं आगे कुछ कुछ फीचर्स की तरफ। तो गाइस मैंने इसमें थोड़ा टेस्ट भी करा और मैंने इसमें एंटूटू भी करा है, और गाइस मुझे परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगा इसका, बिकॉज उसका एवरेज स्कोर आप देख लो, मैं आपको आगे वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ उसमें देख लेना। तो गाइस ये था कुछ कुछ जो था चेरिश ओएस के बारे में। अब गाइस आगे आप थ्रोटल टेस्ट देख लो और ये देख लो एंटूटू बेंचमार्क देख लो, और गाइस मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा कि भाई क्या आप लोगों को इस रॉम के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। ओके तो चलो फिर, और गाइस एक और बात यहाँ पे ये है ना भाई कि इसके साथ में वाइपर फॉर एंड्रॉयड भी मिल जा रहा है। तो अब गाइस बहुत लोगों को भाई पता ही नहीं कि इसमें करना क्या होता है, तो मैं पहले बता दूं कि भाई ये जो वाइपर फॉर एंड्रॉयड है इसको चाहिए होता है रूट। तो अगर आप रूट नहीं करने वाले हो तो ये पार्ट आप स्किप कर दो, आगे जो थ्रॉटल टेस्ट वाला पार्ट है उसमें चले जाओ। बट गाइस अगर आप रूट करने वाले हो, आगे सोच रहे हो, तो भाई ये जरूर देखो, क्योंकि भाई ये जो वाइपर फॉर एंड्रॉयड FX जो है ये गाइस आपका ऑडियो क्वालिटी जो है उसको काफी हद तक बूस्ट कर देता है। तो मैं पहले दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे गाइज, ये इसको ऑन करना तो अपने जगह पे है, बट गाइज यहाँ पे आप जो है प्रेजेंट्स को ऐड कर सकते हो। गाइज बहुत सारे आप यूट्यूब पे सर्च कर लोगे कि भाई मतलब वाइबर फॉर एंड्रॉइड्स का अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स, गेमिंग के लिए प्रेजेंट्स, देन मूवी के लिए प्रेजेंट्स वगैरह वगैरह, तो आप उसे डाउनलोड करके यहाँ पे न्यू करोगे तो यहाँ पे जो है ऐड हो जाएगा गाइज। ओके तो मतलब आप उसे कॉपी कर सकते हो भाई जैसा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो कि मतलब अगर आपको यूज करना है तो आपको लीगेसी और कंपेटेबिलिटी दोनों ही आपको ऑन करनी पड़ेगी सबसे पहले। जैसे आप इसे ऑन कर लोगे, इसके बाद यहाँ पे आप न्यू प्रेजेंट जो है उसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे अपना प्रेजेंट वगैरह रख लो कुछ भी, और इसके ऐड कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो गाइज ये एक और फीचर्स था जो मैं बताना भूल गया था। तो ये रहा आपका इस वोल्टेज जो है इसमें प्रॉपर वर्किंग है, आप देख लो कि भाई टावर वगैरह सब कुछ आ रहा है, मैं वाईफाई से चला रहा हूँ, वाईफाई भी चल रहा है, वोल्टेज भी वर्किंग है, मैं भी दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस देख लो वोल्टेज वर्किंग है, कॉल आ रहा जा रहा है, और गाइस मैसेजेस भी वर्किंग है आप देख सकते हो। तो चलो फिर यार अब चलते हैं थ्रॉटल टेस्ट और एंड्रॉइड की तरफ, और लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई अपने चेरिश ओएस का जो है थ्रॉटल टेस्ट परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो है 5 मिनट 52 ऑलमोस्ट 6 मिनट तक मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं इसे स्टॉप करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे 6 मिनट और 1 सेकंड तक हम लोगों ने टेस्ट करा, और गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हो कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो है 182,000 का, और मिनिमम जो परफॉर्मेंस है वो है 158,000 का। बट गाइस अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम को छोड़ दो, बट गाइस हम लोग जो है एवरेज परफॉर्मेंस लेकर के चलते हैं, तो अब गाइस यहाँ देखते हो कि एवरेज परफॉर्मेंस जो है गाइस वो है 126,000 का, जो कि काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। गाइस हाँ, आप लोगों को अगर याद होगा तो भाई हमने पिक्सल एक्सपीरियंस में भी थ्रॉटल टेस्ट करा था, उसका जो था हाईएस्ट परफॉर्मेंस विद बेस्ट कर्नल, जो बेस्ट कर्नल कॉम्बिनेशन था गाइस वो था 1,70,000, जो कि स्टॉक कर्नल के साथ था। बट गाइस इसका जो स्टॉक कर्नल है वो 1,76,000 का परफॉर्मेंस दे रहा है, और गाइस आप देख सकते हो CPU जो है वो 94% तक थ्रॉटल, मतलब 94% तक परफॉर्मेंस दे देगा, मतलब सिर्फ 6% थ्रॉटल डिटेक्टेड है गाइस, तो कितना बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है गाइस। इसलिए मैंने बोला था भाई चेरिश ओएस जो है वो डेली ड्राइवर की तरह यूज किया जा सकता है। भाई मैंने इस रॉम को लिटरली लास्ट मतलब 5-6 डेज से यूज कर रहा हूँ, और गाइस मुझे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर लगा इसका। ओके गाइस, तो अब मैं आपको इसका आगे दिखाता हूँ भाई एंटूटू बेंचमार्क। ओके
ओके गाइस, सो अब अपने चेरिश ओएस में एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं यार। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो हमारा रेडमी नोटेड प्रो है और भाई चेरिश ओएस ही यूज कर रहा हूँ, और भाई जो स्टॉक कर्नल जो आता है वही वाला यूज कर रहा हूँ। मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ एंड्रॉइड 12, ये चेरिश ओएस का लोगो, चेरिश वर्जन 3.9.5, और यहाँ पे जो क्वांटम कर्नल जो बाय डिफॉल्ट आता है वही लगा हुआ है। मैंने कर्नल के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो मैं सारे एप्लीकेशंस पहले क्लोज कर लूंगा और फिर गाइस स्टार्ट करूंगा एंटूटू बेंचमार्क को। तो गाइस मैं क्लिक करता हूँ रेडमी नोट 8 प्रो के लिए टेस्ट नाउ पे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो स्कोर आया है वो 3,38,000 के आसपास में आया है, जो कि गाइस काफी ज्यादा बढ़िया है। और गाइस मैंने अपने डिवाइस को रूट करा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है, बट गाइस मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूँ भाई कि मैंने कोई भी मॉड्यूल जो है उसे फ्लैश नहीं करा है, एक्सेप्ट वाइपर वाला शायद से। यस, वाइपर मॉड्यूल है गाइस, और ये मॉड्यूल जो है ये बाई डिफॉल्ट जो है इस रॉम के साथ फ्लैश हुए हुए ऑलरेडी आता है, तो इसीलिए भाई इसको छोड़ करके मैंने अभी कोई भी परफॉर्मेंस बूस्टर मॉड्यूल फ्लैश नहीं कराया है। तो गाइस आप देख सकते हो कितना सही स्कोर आया है भाई हमारा जो Redmi Note 8 Pro जो चेरिश ओएस पे रन कर रहा है। और गाइस यहाँ देख सकते हो टेम्परेचर जो है वो सिर्फ 4 डिग्री ही बढ़ा है। और गाइस हमने जो है इवोल्यूशन एक्स और एरो ओएस में भी ट्राई करा था गाइस, उसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 डिग्री के आसपास में बढ़ा था। गाइस बैटरी जो ड्रेन हुआ है वो 5% है, जो कि ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, बट गाइस टेम्परेचर जो है वो काफी हद तक इसने कंट्रोल करा है। और गाइस मतलब मुझे भाई पर्सनली ये रॉम काफी पसंद आया। तो गाइस कंक्लूड करता हूँ अब। ओके गाइस, तो अगर इस अभी मैं कंक्लूड कर देता हूँ भाई, तो देखो अगर इसमें मैंने जो है मैंने थर्मल टेस्ट भी करा, मैंने एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट भी करा है, और गाइस इसमें जो स्टॉक कर्नल जो बाय डिफॉल्ट डल करके आ रहा है वो है क्वांटम कर्नल। ओके, तो गाइस ओवरऑल अगर आप इस गेम इस रॉम को अगर आप गेमिंग के तौर पे खोज रहे हो, या फिर गाइस अगर आप डेली टास्क की तरह यूज करना चाह रहे हो, डेली ड्राइवर की तरह गाइस अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, अगर आप आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है भाई, पिक्सल आर्ट चलाना है, वट एवर इट इज भाई, BGMI खेलनी है, ये रॉम सारे तरीके से मेरे हिसाब से एक काफी परफेक्ट रॉम बन जाता है। क्योंकि गाइस आपने देखा कि भाई इसका जो थ्रोटल टेस्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 1,76,000 है। गाइस पिक्सल एक्सपीरियंस में भी मैंने सेम टेस्ट करा था उसके डिफॉल्ट कर्नल के साथ, मैंने कर्नल के साथ उसमें भी चेंजेस जब नहीं किए थे तो उसका जो स्कोर था वो अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 के आसपास में था, बट गाइस इसका जो एवरेज स्कोर है वो 1,76,000 है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। गाइस आप देख सकते हो कि भाई 6,000 स्कोर एक्स्ट्रा है। ओके, और गाइस इस रॉम में जो आपको स्मूथनेस मिलेगा भाई, मैंने पिक्सल भी यूज करा है, मैंने पिक्सल के सारे वेरिएशन यूज करे हैं, बट गाइस मुझे ये रॉम जो है पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया, पिक्सल एक्सपीरियंस से ज्यादा पसंद आया गाइस। तो गाइस अगर और ओवरऑल गाइस अगर आप इसमें गेमिंग के लिए खोज रहे हो तो भाई गेमिंग डेफिनेटली कर सकते हो, एंड्रॉइड 12 सेगमेंट में ये काफी ज्यादा एक बेटर रॉम निकल करके आ रहा है, और भाई मैंने बहुत टाइम से इसको खुद भी यूज करा है, तो भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल सकता हूँ भाई कि आप इसे इसके लिए जा सकते हो। अब गाइस यहाँ पे एक और चीज मैं बोल दूं भाई, अभी जो है बहुत सारे इधर उधर के वायरस चले हुए हैं। ओके, तो गाइस मैं आपको पहले ही बोलूंगा कि भाई कोई भी रॉम के लिए जाना है तो भाई सबसे पहले ऑफिशियल रॉम की तरफ देखो। तो गाइस ये रॉम जो है ये भी एक ऑफिशियल रॉम है, जो चेरिश ओएस जो है ये ऑफिशियल बिल्ड है हमारे रेडमी नोट 8 प्रो के लिए। तो गाइस इस रॉम के लिए आप डेफिनेटली इसमें आप बैंकिंग वगैरह जो है ऐप वगैरह भी चला सकते हो। तो गाइस ये ओवरऑल सेफ रॉम निकल करके आता है। तो गाइस अगर आप इस रॉम के लिए जाना चाहो तो भाई आप जाओ, डेफिनेटली जाओ। अब गाइस कुछ कुछ बग्स जो मैंने पहले गिनाए थे भाई, वो बग्स जो है वो इन फ्यूचर फिक्स कर दिए जाएंगे, और अगर गाइस इसमें भी फिक्स हो जाएंगे, हो सकता है गाइस वो बग जो है जैसे कैमरा वाला बग है भाई, हो सकता है वो बग सिर्फ मेरे में ही रहे, आपके डिवाइस में नहीं हो। ओके, जैसे YouTube वाला बग है भाई, तो उसको मैंने YouTube वाला बग हो इसलिए हो सकता है भाई क्योंकि मैंने OG YouTube डाला था। ओके, OG YouTube मतलब एक माइक्रो OG यानी कि वो मॉडर्न वर्जन ऑफ YouTube चलाया था, उसके कारण हो सकता है बग हुआ होगा। तो गाइस हो सकता है कि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपके में चले। ओके, तो यार एक दो बग के कारण आप ओवरऑल रॉम के स्टेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, राइट। तो गाइस मैं सिंपल यही बोलूंगा कि भाई रॉम जो है काफी ज्यादा स्टेबल है, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, और भाई मैं डेफिनेटली एकदम 100% रिकमेंड करूंगा। अब गाइस ये मेरा ओपिनियन था भाई, मैं IT हूँ, मेरा अपना थिंकिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है, आप लोग अपने तरीके से सोच लो भाई, बाकी मैं रिकमेंड डेफिनेटली करूंगा कि अगर आप एक कोई डेली ड्राइवर खोज रहे हो एंड्रॉइड 12 के लिए
फॉर रेडमी नोट 8 प्रो देन चेरिश ओएस के लिए डेफिनेटली जा सकते हो गाइस, बिकॉज ये काफी ज्यादा बेटर रोम है। अब गाइस मैं यहाँ पे इसे रेट कर दूं तो भाई मैं इसको दूंगा 10, 9 out of 10। ओके नाउ पिक्सल एक्सपीरियंस को मैं अगर रेट करूंगा तो भाई ऑब्वियसली 7.5 मैंने दिया था, बट इसको मैं दूंगा भाई 9 out of 10 बिकॉज गाइज ये ऑलमोस्ट सारे ही मामले में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू पिक्सल एक्सपीरियंस। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो गाइज, एंड इन फ्यूचर मैंने टेलीग्राम पे एक पोल रखा है MIUI मॉडेड वर्जन फिर अनब्रेक वगैरह, मैंने एक पोल रखा है कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं, तो भाई अगर आप चाहो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेक कर लो और वहां जाके पोल कर देना ताकि मैं देख सकूं कि भाई कौन सा वीडियो आप लोगों को ले लाऊं। और गाइज ऐसे बहुत सारे Redmi Note 8 Pro के लिए वीडियोस आते रहेंगे Android 12, Android 13, 14 और फर्दर वर्जन के, तो गाइज मेक श्योर कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो। और गाइज अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो और गाइज शेयर करो जो लोग फ्लैश करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro के लिए चेरिश ओएस को।